आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। दिनेश सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज फर्स्ट नेटवर्क में। कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर तथा कथित राष्ट्रवादियों द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है देश में और कांग्रेस को इसमें दोषी बताया जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? मेरा सर्वप्रथम तो बहुत बढ़िया विचार है, यहाँ कांग्रेस की देन थी। जो कश्मीर बारे में बोल रहे हैं, उस समय देश में कांग्रेस सरकार में नहीं थी, बीपी सिंह, अटल बिहारी, लाल कृष्ण अडवाणी थे और उस समय का राज्यपाल जगमोहन था। दंगा इन लोग ने कराया, पब्लिक को मार के इन लोग ने भगाया और बीजेपी अंधभक्त बोलते हैं कांग्रेस ने किया। हाँ, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो आप लोग इल्जाम लगा सकते हो। दूसरी चीज, 370 हटाने के बाद मोदी जी ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी हैक रहे थे, कितने कश्मीर पंडितों का वहाँ पे पुनर्स्थान हुआ है, यह लिस्ट जाहिर करेंगे अंधभक्त तो नहीं कर सकते। ये अपना दोष खाली दूसरे पे मढ़ना चाहते हैं, जैसे अंग्रेजों की लड़ाई के समय ये मुखबिरी का काम किया करते थे, उसी प्रकार देश को आज गर्त में ढकेलने का काम ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी अंधभक्तों जागो, नए हाथ पे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बाबा जी का तंबूरा।